43वीं कहानी विश्वासिन की मंडली शुरुआत। यीशु स्वर्ग जनाक बाद शिष्य यरूशलेम में रुकियान जस की यीशु उन्होंने हुकुम दी नाक छो वाक विश्वासी लोग लगातार एक दिगाड़ प्रार्थना करुन की जाम पूछया। हर साल फसक पर्वक 50वां दिनाक बाद यहूदी लोग पेंतुकुसोग नामक एक खास दिन मनुच पेंतुकुस उ बखत छो जब यहूदी लोग ज्यों कटाईक पर्व मनुच सार संसार बटे यहूदी लोग पेंतुकुसोक दिन एक दगाड़ मनून खीन यरूशलेम में आईनाक छा। पेंतुकुसाक दिन मनून बखत यीशु स्वर्ग जान आंख लगभग एक सप्ताह बाद आज एक घर में सब विश्वासी लोग एक दगाड़ जम छा तो अचानक वो घर तेज हवा के आवाजल भरी गयो और जिबार जस आगाक लपट दिखाई दियान और उन्होंने भटे हरेक विश्वासी मल में उतर छे। उन सब पवित्र आत्माल भरी गया और जस उन्होंने पवित्र आत्माल बोलना एक सामर्थ्य उन अन्य अन्य भाषा बोलन लागन। जब यरूशलेम में रुनवा लोगों ले हल्ला सुन छे तब उन्होंने देखुन खिन वहाँ एक भीड़ जाम हो गये कि वहाँ की हो रही ते उन्होंने वहाँ विश्वासीन परमेश्वर द्वारा करीनाक ठुल ठुल कामुन की घोषणा करुन सुन छे। उन ताजुब में छा क्याखिन की उन्होंने यो बात अपन अपन भाषा में सुनाई दिन मरेज। तब कुछ लोग कौन लाग्यान कि इन तन नशा में छन। तब पत्रेस ठाड़ होबरन बोलसो मेरी बात सुना इन लोग नशा में नातिन तुम जो देखुन मरछा यो उई छे जो योयल भविष्यता द्वारा परमेश्वर कई नाक छो आखिरी दिनों में मैं अपन आत्मा उडेलू। हे इजरायली लोगो यीशु एक ही आदिम छो जैल यो देखुन खिन की ऊ कुछ है उल परमेश्वर के सामर्थ्य बहुत अद्भुत काम करियन। तुम यो जान छा किले की तुमुल उन कामों देख छे लेकिन तुमुल उस सूली में चढ़ा दी और यीशु मर गयो लेकिन परमेश्वर उस मरीन में भटे जून कर दी और ऊग बारी में यो बात पूरी भेज जो एक परमेश्वर संदेह दिन वाला लिखी नाक छी ते अपन पवित्र जनस कबर में सड़ुन्नी देले। हम गवाह छा कि परमेश्वर यीशु मरीन में भटे जून कर छे। परमेश्वर पिताल अब यीशु अपन दयन हाथ बैठा भरन उस आदर दीच और यीशु हमुन खिन पवित्र आत्मा भेज छे जस की उल वादा करीनाक छो। पवित्र आत्मा का द्वारा उन काम हुन मरियन जिनुन तुम देखुन और सुनुन मरा छा। तुम उन ले यीशु सूली में चढ़ा दीज पर यो जान ली कि परमेश्वर यीशु सब चीजुन में प्रभु और मसीह ठहराइनाक छे। पत्रसक बातों सुन बेरन लोगों को दिल में यो बात लग गए एक कारण उन्होंने पत्रस और दूसरा शिष्युन तक पूछे हे भाइयो हम उनकी करुण चैच। पत्रसल उन्होंने जवाब दीच तुमुन में बैठे हरेक अपन अपन पापुन खिन पश्चाताप करा ताकि परमेश्वर तुम्हार पापुन माफ करो और यीशु मसीह नामल बक्तिस्मा ली तब तुमुन वरदानक रूप में पवित्र आत्मा ल दियोलो। पत्रसक बात सुन भिरन लगभग 3000 लोगों ले विश्वास कर छे और यीशु शिष्य बन गया। उन्होंने बक्तिस्मा लीच और यरूशलेमक विश्वासिन की मंडली हिस्सा बन गया और इन विश्वासी लोग प्रेरितुन बटे रोज शिक्षा एक दिगाड़ खानखीन खाचा एक दूसार खीन प्रार्थना कर छा और परमेश्वर भजन गाच और जो कुछ ले उनुन थे छो उस आपस में बाँट छा और वहाँ सब लोग उनुन खीन खुश छा और हर एक रोज ज्यादा ज्यादा लोग विश्वासी बनने ज्ञान।